रोल कबाब, मशहूर तरीन कबाब है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी कबाब पाकिस्तानी स्टाइल के साथ। हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ का टेस्ट क्या। ये फ्रेश अंडे बड़े में जो कि ये अपने कबाबों में इस्तेमाल करते हैं। और बाकी भाई मेन्यू है, मेन्यू है मेन्यू वो टेबल में लगा हुआ है सामने। सब कुछ और ये होम फ्री डिलीवरी मौजूद है इनके पास। ये नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये इनका काउंटर है, मैं अभी पाकिस्तानी की दे दी आपको, मुझे बेहतरीन अंदाज में साथ ये बर्फी पड़ी हुई है, बर्फी है और ये आगे दिखा बेटा यहाँ। सारा स्टाफ उनका बैग सेट में मौजूद है जो कि सब होटल में सबको खाना वगैरह अच्छे तरीके से दे रहे हैं। बाहर खाते हैं, रोटी लगाते हैं, पराठा लगाते हैं, वीआईपी आदमी खा के दोबारा पूछता आदमी किधर गया, क्या ये क्या कर रहे हैं? ये पराठा वाला कारीगर रोटी वाला कारीगर है। ये देखें जी रोटी वाला कारीगर आपको दिखाते हैं, ये पाकिस्तानी रोटियाँ पाकिस्तानी स्टाइल में, बंदे भी पाकिस्तानी और स्टाफ भी। ये कुछ स्पेशल पेड़े बना रहे हैं और ये एक बंदा पेड़े बना के इन लोगों को दे रहा है और वह बंदे जो क्या है तंदूर के अंदर लगा रहे हैं। आ गया मच्छी दिखाएंगे भाई, क्या क्या चीज़ है आपके पास यहाँ पे मेन्यू में? चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी, कबाब बिरयानी, नमकीन बिरयानी। ये आप सुन चुके हैं ये इनका मेन्यू है, इतना बड़ा मेन्यू भाई जान बोलना शुरू करते हैं चुप करते ही नहीं है। देखें ये इनका स्टाफ है जो इनको मतलब डिफरेंट तरीके से पूरा कर रहा है। कबाब चपली कबाब यहाँ का सबसे, हम अबू से भी से आया, मुश्किल नहीं है। अलैन से फजीरा से लोग इधर आके स्पेशल खाना खा के जा रहे हैं इन लोगों से क्योंकि ये पाकिस्तानी माहौल है। देखें फ्रेश सलाद मौजूद है यहाँ पे, चटनी वगैरह भी मौजूद है, चटनी इनकी मीठी चटनी स्पेशल। ये देखें जी यहाँ का कबाब चप्पल कबाब और ये साथ में रायता, ये है चटनी तो मिलेगा कबाब। चप्पल कबाब यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, आप कभी आए तो आके टेस्ट करें यहाँ का बेहतरीन जायका और बेहतरीन खुशबू चप्पल कबाब की और बेहतरीन किस्म का सलाद और बेहतरीन किस्म का स्टाफ आपको यहाँ पे मिलेगा। बात वही अली भाई की, एक बार आएंगे बार बार खाएंगे और यकीन माने माहौल ऐसा लगता है पाकिस्तान में बैठे हैं, सेम सेम पाकिस्तान का माहौल है यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और ये स्टाफ और खाना और खाने का मेयार, मैं कहता हूँ कि वाह वाह वाह, महसूस ही नहीं होता कि हम लोग शारजा में बैठे हैं। सेम सेम पाकिस्तान का माहौल है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म का खाना। क्यों जी भाई मज़ा आया? बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना, मज़ा आ गया हम लोग शारजा में रहने वाले तमाम लोगों के लिए। मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को जब भी पाकिस्तान की याद है, पाकिस्तान के खानों की याद है, आप लोग यहाँ पे आज में शारजा में रोला।
अल हो रेस्टोरेंट है, बेहतरीन मोहम्मद खाना, बेहतरीन जायका। इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान की याद ताज़ा कर देते हैं, आप देख सकते हैं। तो तमाम व्यूअर्स, ये अल होर रेस्टोरेंट जो कि शारजा पार्क के सामने बिल्कुल मौजूद है, और इनका जो ये शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वतन से दूर वतन की खुशबू, ये इस होटल के ऑनर हैं जिन्होंने मुझे परमिशन दी, इजाज़त दी कि ठीक है आप मतलब वीडियोज़ बना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी खानों के लजीज़ खानों के बेहतरीन मैार है, साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ सुथरी रोटी है, साफ़ सुथरा मेन्यू है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे अंदाज़ में ये लोग आप लोगों को ऑपरेट करेंगे। आप कभी यहाँ पे शारजा में रोला में चक्कर लगाएं, बिल्कुल ये रोला पार्क के सामने ही आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों खाने इनके पास मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान के ख़ास तौर पर चप्पल कबाब जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, वो यहाँ पर आपको ईजीली आसानी से मिल सकते हैं। तो ये यहाँ के ओनर थे, इनकी ये बहुत मेहरबानी है कि इन लोगों ने मुझे वीडियो बनाने की परमिशन दी। तो कभी भी आप यहाँ पे आएँ, ज़रूर चक्कर लगाएं, बेहतरीन खाने हैं, मयारी खाने हैं, और आपको मुनासिब रेट मिलेंगे, मिलते हैं। इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा प्यार किया कि हम लोगों को पानी दिया, चाय दी, खाना दिया वीडियो बनाने के लिए। तो प्राइस इनकी कह रहे हैं कि शारजा में सबसे ज़्यादा मुनासिब प्राइस है, और खाना है जो क्या है इन लोगों का सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा लजीज है। तो आपको पाकिस्तान की जब भी याद आए, पाकिस्तान के खानों की जब भी याद आए, चप्पल कबाब की जब भी याद आए, आप इस होटल पे आ सकते हैं, अल होर होटल, ये शारजा रोला में मौजूद है। आएँ और खाना खाएँ और याद करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अगले किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, अगले किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टीम आनंद। Thank you.